अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बास फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत केयर नहीं मांगते और इजीली प्रोपिगेट भी जाते हैं। और इन्हीं में मेरे गार्डन में एक प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया, और आप देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, ये प्लांट की मजे की बात यह है कि इसको एक दफा अगर गार्डन में ले आते हैं तो दोबारा आपको लाना नहीं पड़ता है। इसके सीड्स खुद ही उड़ के जगह जगह गिर जाते हैं। ये देखिए, ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसका सीड खुद ही उड़ के मेरे एक और पॉट से आया था। और इसके 3-4 कलर्स होते हैं, और एक प्लांट आप लाएं हर कलर के तो फिर आपको दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो इजीली आपके घर प्रोपेगेट हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह कि सिर्फ थोड़ी सी देर की भी अगर डायरेक्शन लाइट आ जाती है, हाफ आवर की, इसे मेरे घर में सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्शन लाइट आती है, किसी पोर्शन पे, तो वहां पर यह रखा हुआ है। और देखिए अभी तक धूप इस तक नहीं पहुंची है, थोड़ी सी देर के लिए आएगी, लेकिन आप फ्लावरिंग देखिए, मुसलसल इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। सबसे मजे की बात यह, अच्छा, इस प्लांट को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस आप मंथ में एक दफा इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिए और बस ये इजिली ग्रो करता रहेगा। इंसेक्ट का अटैक भी ज्यादा नहीं होता है, इक्का दुक्का हो जाता है, तो आप उस पर जिस तरह आप हर प्लांट में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, इस पर भी कर दीजिए। अच्छा, मैंने जो ये प्लांट मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि एक तो कलर्स देखे इसके प्लांट के, फ्लावर इतने खूबसूरत खिलते हैं, सुबह खिलते हैं, इस वक्त के बंद होने के करीब पहुंच गए, ये देखिए, और मुसलसल खिल रहा है। छोटा सा ये पॉट प्लांट है और आप देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, इसकी अच्छी मजे की बात यह कि आप इसको प्लास्टिक के किसी तरह के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने किया और उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी और देखिए इसके सीड्स गिर रहे हैं और नीचे भी निकल रहे हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप एक ले आते हैं और अपने घर में इसको लगा लेते हैं तो बस फिर आप किसी भी तरह के पॉट में लगाइए, हैंगिंग प्लांट्स में लगाइए, और बस ये फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है और हर नर्सरी में तकरीबन अवेलेबल है। और जो लोग इससे कुछ प्लांट्स लेना चाहते हैं वो इस प्लांट को जरूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, एक दफा ऐड कर लीजिए, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इस प्लांट को लाने की, क्योंकि इसके सीड जैसे मैंने बताया इसको हर जगह फैल जाते हैं और उसके अलावा कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, है ना मजे की बात। और हर पॉट में मेरी ये निकला हुआ है एक प्लांट, और चूंकि फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है इसलिए कि वो बिल्कुल शेडी एरिया में बहुत प्लांट रह गए हैं, लेकिन जिस जिस जगह पर ये थोड़ी सी देर के लिए भी यानी हाफ आवर की डायरेक्शन लाइट में रहता है वहां इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करनी शुरू कर दी है। तो इस तरह पॉट में लगाइए, हैंगिंग प्लांट में लगाइए, एक बहुत ही प्यारा प्लांट। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।